नमस्कार, मैं नंदिनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज कवि गोष्ठी फिर से लाए हैं आपके पास। कुछ कवि हैं हमारे स्टूडियो में, एक एक कर उनसे आप सभी का परिचय करवाएंगे। मेरी बाईं ओर बैठे हैं नितेश मिश्र, रांची से हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उनके बाईं ओर हैं आशुतोष प्रसाद जी, ये भी रांची से हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, ये बोकारो से आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की काव्य गोष्ठी शुरू करते हैं। माँ वागीश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि सभी की कलम इतनी मजबूत हो कि आज की गोष्ठी सफल हो। चलिए, मैं नितेश मिश्र जी से आग्रह करूंगी कि नितेश जी आप अपनी एक रचना हमारे बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। काशी में घाट है, वाराणसी में घाट है मणिकर्णिका, जहाँ एक मान्यता है कि 2400 घंटे वहाँ चिताएं चलती है, उसी घाट से एक गीत निकल के आया है। छोटा सा एक अंतरे का गीत है, मैं सुनाता हूं। बहुत स्वागत आपका। मौत के घाट पर अकेला हूँ, मौत के घाट पर अकेला, मौत के घाट पर अकेला हूँ। क्या बात। पाप का बेहिसाब मेला हूँ, मौत के घाट पर अकेला हूँ। जी, पहला अंतरा है। स्वागत। जल रही है चिता किनारे पर, जल रही है चिता, जल रही है चिता किनारे पर, रो रहा हूँ किसी इशारे पर। जब कोई नहीं होता संभालने वाला तो हमारे आंसू हम बाहर आकर हमको संभाल लेते हैं। जल रही है चिता किनारे पर, रो रहा हूँ किसी इशारे पर। क्या बात। आँख पर आ गई है गंगा जी। क्या बात। आँख पर आ गई है गंगा जी, क्या बात। मैं टिका हूँ इसी सहारे पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं टिका हूँ इसी सहारे पर, एक उलझी हुई सी वेला हूँ, मौत के घाट पर अकेला हूँ, मौत के घाट पर अकेला हूँ। पाप का बेहिसाब मेला हूँ, मौत के घाट पर अकेला हूँ। बहुत बहुत क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नितेश। बहुत बहुत अच्छी रचना और सच्चाई को बयां करती हुई। मुझे लगता है मौत अपने वश में नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़ी एक चीज़ है जो खुद से की जाती है, वो है आत्महत्या। मैं जब सुनी आपकी रचना तो मुझे लगा कि एक मैं जो रचना लिखी हूँ आत्महत्या, इस विषय पे दो चार लाइन मैं भी सुनाऊँ आपको। जरूर जरूर। विषय आत्महत्या, सुनिएगा। आज कहीं सुना मैंने कर ली उसने खुदकुशी, आज कहीं सुना मैंने कर ली उसने खुदकुशी, क्या होगी वह अवसाद ग्रस्त या होगी उसमें उसकी खुशी। क्या बात। क्या होगा, क्या होगा कोई उसकी मौत का जिम्मेदार, सांसों की डोर टूटने में या बना कोई आधार। जब लगाई होगी उसने फंदे दुपट्टे में, या जब बांधा होगा उसने खुद को पंखे में,
जब लगाई होगी उसने फंदे दुपट्टे में, या जब बांधा होगा उसने खुद को पंखे में, कुछ तो सनसनाती सी हवा चली होगी, कुछ पल के लिए ही तो वहाँ कोई लौ जली होगी। कह नहीं पाई किसी से अपने हालात को जब वह, क्यों की जाती है खुदकुशी, कह नहीं पाई किसी से अपने हालात को जब वह, तब ही तो कहीं जाकर उठाए उसने यह कदम। आज कुछ सकारात्मक इस रचना के माध्यम से कि आज ईश्वर से एक दुआ मांगूं मैं, जितनी सांसें दी तुमने जीने का हौसला भी दो। आज ईश्वर से एक दुआ मांगूं मैं, जितनी सांसें दी तुमने जीने का हौसला भी दो। नहीं कोई खुदकुशी हो ना कोई आत्महत्या हो, जितने वक्त दिए तुमने जीने का हौसला भी दो, जीने का हौसला भी दो। ये थी रचना आत्महत्या। मुझे लगता है कि ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आशुतोष जी के पास और उनसे सुनेंगे कहो तुम क्या हो। बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी आपका। महाभारत काल की को पृष्ठभूमि बनाकर ये रचना मैंने लिखी है। द्रौपदी के मन में उठे भाव का इसमें चित्रण है। बहुत स्वागत आपका जी। कहो तुम क्या हो, कहो तुम क्या हो, तुम्हें सभी अबला कहते हैं। अच्छा। और कितने दिन इस तरह के संबोधनों से संबोधित किया जाना पसंद करोगी तुम, और कितने दिन इस तरह के संबोधनों से संबोधित किया जाना पसंद करोगी तुम। दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहना कब तक पसंद करोगी तुम। दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहना कब तक पसंद करोगी तुम। मैं नीर भरी दुख की बदरी उमड़ी कल थी फिर चली आज को, कब तक चरितार्थ करती रहोगी तुम। कहती क्यों नहीं कि तुम अबला नहीं, कहती क्यों नहीं कि तुम अबला नहीं, सबकी आंखें खोलती क्यों नहीं। किस आस में बैठी हो, किस आस में बैठी हो, इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आएगा। किस आस में बैठी हो, इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। जी जी जी। दुशासनों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल। अर्जुन के तीरों की धार में वह पैनापन नहीं रह गया है। अर्जुन के तीरों की धार में वह पैनापन नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। युधिष्ठिर का तो कहीं अता पता ही नहीं। कर्ण अपने कवच और कुंडल की तलाश में दर दर भटक रहा होगा। कर्ण अपने कवच और कुंडल की तलाश में दर दर भटक रहा होगा। भीम की गदा किसी गुप्त तहखाने में दबी पड़ी होगी। क्या बात है। हाँ, एक बात अभी भी विद्यमान है। धृतराष्ट्र की आंखें तुम्हें निर्वस्त्र देखने को व्याकुल होंगी। अब चौसर के खेल में तुम्हें कोई नहीं हारेगा। क्या बात है। अब चौसर के खेल में तुम्हें कोई नहीं हारेगा। उठो जागो अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु, बाजुओं को पुष्ट होने दो। क्या बात। अपनी क्षमता को दिखाने का जोखिम उठाओ, देखोगी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद। बहुत सुंदर आखिरी पंक्ति बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अनिल जी के पास, ये सुनाएंगे हमें इजहार। देखते हैं इस रचना में क्या है। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी। प्रेम गीत है जी। गजल के रूप में है। स्वागत। आप सबसे मुखातिब हूँ इस गजल को लेकर के जी। गले लगा लो आए हैं आज पहली बार, गले लगा लो आए हैं आज पहली बार। वो जिनके आने से आए बहार महफिल में, वो जिनके आने से आए बहार महफिल में, नजर उतार लो उनकी
गले लगाने के बाद गले लगा लो, आए हैं आज पहली बार। गुलों में रंग के छलके हैं आज पैमाने, गुलों में रंग के छलके हैं आज पैमाने। फिजा भी सुरमई हुई है आज आने के बाद। गले लगा लो, आए हैं आज पहली बार। रूबरू इश्क और बस छलकती आँखें, रूबरू इश्क और बस छलकती आँखें। लबों को चूम लो उनके गले लगाने के बाद। गले लगा लो, आए हैं आज पहली बार। जिक्र उल्फत में उनके हैं गुजारी रातें, जिक्र उल्फत में जो उनके हैं गुजारी रातें। महक उतार दो अपनी गले लगाने के बाद। गले लगा लो, आए हैं आज पहली बार। फिक्र उनकी जो सताती रही शब भर बरसों, फिक्र उनकी जो सताती रही सब बर बरसों। धड़कते दिल को संभालो गले लगाने के बाद। गले लगा लो, आए हैं आज पहली बार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज आपकी और अच्छी रचना, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे नितेश जी के पास और इनसे आग्रह करेंगे कि आपकी एक रचना और सुनते हैं। बहुत स्वागत आपका नितेश जी। पुनः धन्यवाद जी। सीधे सीधे रचना पे आता हूँ मैं, बिल्कुल ये तहत में है। भीगे मन के भारीपन से आंखों पर पानी लिखते हैं, कभी चुप रहकर कभी कुछ कहकर हम रोज कहानी लिखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस मन का मौन कभी मदिरा बन चढ़ जाए जब अखियन पर जी। इस मन का मौन कभी मदिरा जब चढ़ जाए जब अखियन पर, कुछ भर भर कर कुछ बह बह कर तब खूब रवानी लिखते हैं। क्या बात। इस चार दिनों के जीवन में बस डेढ़ दिवस की महिमा को जी। इस चार दिनों के जीवन में बस डेढ़ दिवस की महिमा को कुछ जी कर के कुछ मर के भी हम खूब जवानी लिखते हैं। क्या बात। कितने लम्हों को छीन लिया और छाप दिया है पन्नों पर, कितने लम्हों को छीन लिया और छाप दिया है पन्नों पर, इस जीवन में हम चुन चुन कर हर एक निशानी लिखते क्या हैं। क्या बात है। इस जीवन में हम चुन चुन कर हर एक निशानी लिखते हैं। एक अरसा गुजर गया है अब कई देह यहाँ पर बीत चुकी। एक अरसा गुजर गया है अब कई देह यहाँ पर बीत चुकी, अब तो कागज पर बस अपनी हम बात पुरानी लिखते हैं। अब तो कागज पर बस अपनी हम बात पुरानी लिखते हैं। हम चीख रहे बादल बनकर चिड़ियों की पंख फिशानी पर, हम चीख रहे बादल बनकर चिड़ियों की पंख फिशानी पर, तड़पन की राज धरा पर बस अब अश्क फिशानी लिखते हैं। सपनों के निधिवन में जाकर मन बन जाता है मोहन जब,
क्या बात। सपनों के निधिवन में जाकर मन बन जाता है मोहन जब, तब राधे राधे जप करके बस राधा रानी लिखते हैं। क्या बात है? तब राधे राधे जप करके बस राधा रानी लिखते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि कुछ छोड़ गए, कुछ छूट गए, कितनों को खुद ही छोड़ दिया। क्या बात। कुछ छोड़ गए, कुछ छूट गए, कितनों को खुद ही छोड़ दिया, टूटन के दुख से बस उपजी मन की मनमानी लिखते हैं। भीगे मन के भारीपन से आंखों पर पानी लिखते हैं, कभी चुप रहकर कभी कुछ कहकर हम रोज कहानी लिखते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना नितेश जी। आगे बढ़ेंगे और भाव को बदलेंगे। आशुतोष जी से आग्रह करेंगे कि आप एक गजल सुनाएं हमें। बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी आपका। पगडंडिया छूटी सड़क पर आ गए हम, देखा नहीं तुमने कितना बदल गए हम। अच्छा। पगडंडिया छूटी सड़क पर आ गए हम, देखा नहीं तुमने कितना बदल गए हम। क्या बात। तुम तो मिसाल हो सारे जहां में एक, तुम तो मिसाल हो सारे जहां में एक, जिसके प्यार में कंठ तक डूबे रहे हम। वाह वाह वाह। जुदाई की रात थी, जुदाई की रात थी, अशकों ने दामन भिंगो दिया, तुम तो चले गए, पीछे रह गए हम। दिल पर लगे जख्म ने रिश्ते बदल दिए, दिल पर लगे जख्म ने रिश्ते बदल दिए, मालूम नहीं तुम्हें क्या क्या खोते रहे हम। हर शाम परिंदे भी अपने ठिकाने पर पहुंचे, हर शाम परिंदे भी अपने ठिकाने पर पहुंचे, हर शाम परिंदे भी अपने ठिकाने पर पहुंचे, पर तुम्हें देखने को उम्र भर भटकते रहे हम। क्या बात है। देखता था तुझे जब ठहरी सी नजर से, जिंदगी भर इसी नशे में डूबे रहे हम। क्या बात। सोचा बहुत बार, सोचा बहुत बार मगर सोच नहीं पाए, सोचा बहुत बार मगर सोच नहीं पाए, दिए की लौसा हर सुबह मिलते रहे हम। दिए की लौसा हर सुबह मिलते रहे हम। सुना बहुत बार मेरे द्वार तक तू आया था, तमाम दिल न मिलने के गम में डूबे रहे हम। मेरे दुख से तू इतना क्यों अनजान बना, मेरे दुख से तू क्यों इतना अनजान बना, फिक्र में इसी के जाम पर जाम पीते रहे हम। एक नजर तो देख लो आकर तुम यहाँ, एक नजर तो देख लो आकर तुम यहाँ, तेरे जाने के बाद कितना बदल गए हम। क्या बात है। तुम तो चले गए पर सोचते रहे हम, देखा नहीं तुमने कितना बदल गए हम, बदल गए, देखा नहीं तुमने कितना बदल गए हम, कितना बदल गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। कितना बदल गए हम, हम इंसान ही हैं और हर रोज बदलते ही रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और भाव भी बदलेंगे, चलेंगे अनिल जी के पास और उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमें एक गीत सुनाने वाले हैं, कदम की डारी। बहुत बहुत स्वागत आपका। जन्म जन्म में मिलूं रे मितवा, जन्म जन्म में मिलूं रे मितवा, चाहे रहो परदेश रे, चाहे रहो परदेश, चरण कमल रज गहूं रे मितवा, चाहे रहो परदेश रे, चाहे रहो परदेश। काहे श्याम भय बैरागी, उद्धव ज्ञान सुजान रे, काहे श्याम भय बैरागी, उद्धव ज्ञान सुजान, यमुना तीर करम बड़ भागी, पद पखार सुरेश रे, जन्म जन्म में मिलूं रे मितवा, चाहे रहो परदेश। विकल हृदय बंजर मन आकुल, विकल हृदय बंजर मन आकुल,
वृंदावन निर्मोही। विकल हृदय बंजर मन आकुल वृंदावन निर्मोही। बिखलत नैन अधर नित तरसत बिलखत नैन अधर नित तरसत सुनी कदंब की डारी रे जन्म जन्म में मिलूं रे मितवा चाहे रहो परदेश चरण कमल रज गहूं रे मितवा चाहे रहो परदेश। रोज निहारूं पथ कोमल पंकज रोज निहारूं पथ कोमल पंकज उद्धव ज्ञान बखानी। रोज निहारूं पथ कोमल पंकज उद्धव ज्ञान बखानी। मन ऊसर धूमिल छवि नैनन मन ऊसर धूमल छवि नैनन वृंदावन अकुलानी रे जन्म जन्म में मिलूं रे मितवा चाहे रहो परदेश चरण कमल रज गहूं रे मितवा चाहे रहो परदेश रे चाहे रहो परदेश। बहुत सुंदर बहुत बहुत ही अच्छी रचना। और समय हमारे पास कम है अब हो चला है लेकिन कुछ वक्त है हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि नितेश एक और रचना पढ़े। जी नितेश जी स्वागत है आपका। छोटे सी रचना पे आता हूँ। कई दिनों से चाहता था एक सुंदर गीत लिखना। क्या बात है। ओढ़ कर सहरा पराजय का मगर भी जीत लिखना। क्या बात। रात का जादू वही है आँख में आंसू वही है। रात का जादू वही है आँख में आंसू वही है। क्यों मगर फिर चीखती है रोज जलकर भावनाएं। क्या बात। गाल पर सूखी हुई है आज भी वो वेदनाएं। गाल पर सूखी हुई है आज भी वो वेदनाएं। उन दिनों को याद करके रख लिया उपवास मैंने। लग रहा है आज तुमको कर लिया है पास मैंने। शाम में दीपक जलेंगे साथ में मंदिर चलेंगे। शाम में दीपक जलेंगे शाम में साथ में मंदिर चलेंगे। कल्पना के नाव में बस घूमती है कामनाएं। गाल पर सूखी हुई है आज भी वो वेदनाएं। गाल पर सूखी हुई है आज भी वो वेदनाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसी रचना के साथ हम आपसे यह प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर मिलेंगे ऐसी एक शाम हम फिर सजाएंगे ऐसे ही रचनाकारों से फिर एक बार आपका परिचय करवाएंगे और इतनी ही सुंदर सुंदर रचनाएं आपके बीच फिर से रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत। तब तक के लिए धन्यवाद।